ये देखो, ये वृंदावन की तरफ से आ रहा है टेम्पू वाला, जबकि हमारे इस समय पूरे भारतवर्ष के अंदर में एक कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉक है, सब लोग अपने अपने घरों में, परंतु ये देखो ये टेम्पू वाला पता नहीं कहाँ से क्यों जबरदस्ती निकल रहा है। भाई तुमको मालूम है कि इस समय में कितने बज रहे हैं? अभी 12:30 बज रहे हैं, 11 बजे तक का टाइम दिया गया है, क्यों नहीं रुक रहे हो तुम लोग? सर मतलब ध्यान ना दे, नहीं ध्यान देने वाली बात है ना, ये लोग अभी तुमको लठाएंगे, ये पुलिस वाले दंड बैठक कराएं तुम्हारे को, या तो एक से बंद भी कर दें तुमको जेल में ले जा करके, तब क्या करोगे तुम? फिर घर परिवार को देखोगे क्या? ये अपनी अपनी देखो, ये भी एक मनुष्य हमारी तरह ही है, ये भी हमारी तरह, हमारी सुरक्षा के लिए ये सड़क के ऊपर में ड्यूटी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं ये? क्यों दे रहे हैं? नहीं तुमको ये दंड बैठक कराएं, कसरत कराएं, दंड मार लट्ठे मारे तुम्हारे अंदर, तब मानोगे क्या इन बातों को? नहीं समझ में आ रही है तुम्हारी में, या तुम्हारे टेम्पू को बंद करें? इनको पूरा आदेश है कि तुम्हारे टेम्पू को सीज भी कर सकते हैं, ये पूरा आदेश है इनको लिए। और ये देखो ये पता नहीं कहाँ से निकल के जा रहा है, ये कहाँ निकल के जा रहा है? कोई जरूरी है क्या देना तुम्हारे लिए? क्यों मास्क भी नहीं है चेहरे के ऊपर में, ये कोई जरूरी है क्या तुम्हारे को ले जाना? देवी मैया नवा के आए, नहीं तो देवी मैया को नवाना, घर में ही देवी मैया को मना लो, अपनी घरवाली को देवी मैया समझ लो इस समय में, है क्यों निकल रहे हो तुम घरों से? जो है कि देवी मैया को नवाना जरूरी है क्या? मंदिर सारे बंद है, बिल्कुल दरवाजे मेन गेट सब बंद कर रखे हैं, फिर भी तुम लोग नहीं मान रहे हो। ये देखिए, ये हमारे वृंदावन की जो है सुंदरख रोड है, और इस समय में यहाँ पर हमारे छह शिखर मंदिर के पास में मैं खड़ा हुआ हूँ। ये हमारे पुलिस के जवान भी यहाँ पर अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी को दे रहे हैं, आने जाने वालों को ये बहुत सुंदर तरीके से बतला भी रहे हैं कि भाई इस समय में आप अपने घरों में कैद रहें, ये हमारे देश की सुरक्षा है और आपके अपने परिवार की सुरक्षा है, क्योंकि एक इतना भयंकर ये एक वायरस है कोरोना वायरस, जो कि एक दूसरे से संपर्क में आने पर ये एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और मैं एक चीज़ का और एक मैं आह्वान करूँगा कि जैसा कि जो हमारा अक्षय पात्र है, अक्षय पात्र जो कि हमारे भारत सरकार से एक सब्सिडी भी ले रहा है, जो स्कूलों में जो बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, इस समय में सारे स्कूल बंद हैं, कोई भी बच्चा अपने घरों से नहीं निकल पा रहा है, तो मैं ये अक्षय पात्र से आशा करूंगा कि ये आगे अब इस समय में इस विपत्त स्थिति में ये अपनी क्या सुविधा दे रहे हैं जनता के लिए, क्या देना चाहेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रवि कुमार। रवि कुमार कहाँ के रहने वाले हो? बड़ी आर्टस। बड़ी आर्टस से मैंने अभी जो सवाल किया था, आपको मालूम है इसके बारे में कि अक्षय पात्र इस तरीके से भोजन उपलब्ध कराता है हर स्कूलों में, और इस समय में सभी स्कूल बंद हैं, क्या चाहोगे अक्षय पात्र से? नहीं क्या चाहना, क्या देना चाहे अक्षय पात्र से? कुछ जो आपके मन में बाप है बात है वो उनको बतलाओ, जो कोई डरने वाली बात थोड़ी है। जो गरीब है, जो गरीब है, गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं, भोजन दे रहे हैं। नहीं अब क्या कर रहे हैं? अब तो नहीं दे रहे हैं किसी को भी, किसी को नहीं दे रहे। अब उनको क्या करना चाहिए? अब तो मतलब ऊपर से ही बंद कर दिया है सब खाना वाना। नहीं खाना ऊपर से अक्षय पात्र के लिए, ये इस समय में जो सामाजिक संगठन है, जो कि व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वो लोग एक संगठन होकर के और इस विपत्त स्थिति में अपने अपने साधन से और वो भोजन बनवा करके गरीबों में, जो इस समय में जो भोजन इनके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनको वो लोग वितरण कर रहे हैं। जबकि हमारे सीधा वृंदावन के अंदर में अक्षय पात्र एक ऐसा स्थान है जो कि लाखों लाख स्कूलों बच्चों को वो भोजन उपलब्ध करा रहा है, इस समय में उनकी ये भोजन व्यवस्था बंद है, वो इस समय में क्या करेंगे, क्या करना चाहिए उनको? मैं क्या बोलूँ सर, आप ही बोल दीजिए। नहीं मैं तो नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ। जो है भोजन जो बनाते थे बच्चों, जो भोजन बनाते थे बच्चों को ना देकर जो डेली बेसिस पे मजदूर है उनको खिलाया जाए। हाँ और क्या, मजदूर लोगों को खिलाया जाए खाना। यानी कहने में ये संकोच कर रहे हैं, और कहना भी चाहिए जो है इस समय में। ये भी देखो हमारे एक भाई आए हैं यहाँ पर, ये भी यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शुभ नाम क्या है? संजू। संजू जी, ट्रेवल्स का काम करते हो? तो इस समय में अभी जो परिस्थिति बनी हुई है जी, स्कूलों में सभी जगह बच्चों की छुट्टियां हैं जी, सब अपने अपने घरों में बच्चे हैं। बिल्कुल। कुछ सामाजिक संस्थाएं जो कि व्यापारिक वर्ग है, जो धनाढ्य व्यापार है जी, उन लोग एक सामूहिक इकट्ठा होकर के और वो इस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं कि गरीबों के लिए वो भोजन उपलब्ध वहीं जा करके कराएं। हमारे सीधा वृंदावन के अंदर में एक अक्षय पात्र एक ऐसा संस्थान है जो कि स्कूलों में जाकर के, विधानसभा में सर, शासकीय स्कूलों में, हर स्कूलों में बच्चों को भोजन जाता है। हाँ
इस समय में तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इस समय में तो उनका भोजन कहीं बन के जा नहीं रहा है, स्कूल जा नहीं रहा है, और ये सरकार से सब्सिडी भी ले रखी है इन्होंने, और ले रहे हैं बराबर बराबर ले रहे हैं। अब इस समय में उनको क्या करना चाहिए, जो अन्यथा वृंदावन या मथुरा में जो भी गरीब घर के लोग हैं, बच्चे हैं छोटे या बड़े, उनको भोजन वितरण होना चाहिए। यानी इस समय में जो घरों में कैद हो चुके हैं लोग, जिनके पास में खाने की भी कुछ भी, जो डेली बेसिस वाले हैं, जो डेली अपना कमाते हैं खाते और, हैं और डेली खरीद रहे हैं, डेली खरीद रहे हैं, उनके लिए अक्षय पात्र को चाहिए कि ये राशन वहाँ तक, भोजन वहाँ तक पहुँचाया जाए। जैसा कि क्या नाम बताया आपने, संजू जी ने कहा बहुत सुंदर शब्द में कहा कि अक्षय पात्र को ये एक व्यवस्था करनी चाहिए कि वो जा करके अपने यहाँ से, जो भोजन व्यवस्था उनके पास बहुत सुंदर व्यवस्था है, कोई ज़्यादा उनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है भोजन बनाने में, और शुभ साधन है उनके पास में, सरकार के द्वारा वो सब्सिडी भी ले रहे हैं। तो मैं प्रगति मीडिया के माध्यम से उनसे आग्रह करूँगा, और ये हमारे संजू जी ने भी जैसा कहा कि उनको ये चाहिए कि इस विविध परिस्थिति में, और वो इस सेवा को बराबर निरंतर रूप से चालू रखें। मैं सोनरक रोड के ऊपर में हूँ, 6 शिखर मंदिर है, और यहाँ पर हमारी जो वृंदावन के पुलिस विभाग के द्वारा बहुत ही मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को निर्वाह कर रहे हैं, और ये हमारे SSO साहब भी वृंदावन से आए हुए हैं, यहाँ पर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं, ये CO साहब की भी गाड़ी साथ में खड़ी हुई है आपके साथ में, और अभी मैंने पूरे वृंदावन की रिपोर्टिंग भी देखी थी, सारा वृंदावन ब्लॉक डाउन है, कहीं भी किसी भी तरह की कोई असुविधा देखने के लिए नहीं मिल रही है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से, और सर आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ, जैसा कि अभी मैंने देखा कि कल मैंने शाम को देखा था कि दुकानों के ऊपर में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, अभी आपने क्या उसके विषय में एक्शन लिया है? दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलने के लिए था, वो बंद हो गया है, शाम को कोई दुकान नहीं खुलेंगी। उस पर भी जब दुकानें खुलती हैं तो डिस्टेंस बना के वहाँ पर खड़े होना है, कम से कम 3 मीटर दूरी पे खड़े होना है, गोले बना दिए गए हैं, और उनको बता भी दिया गया है कि दूर पे खड़े हों, कम से कम 1 मीटर नहीं तो 3 मीटर दूरी पे खड़े होकर सामान लेंगे। इस समय दुकानें टोटल बंद करा दी गई हैं, किसी को रोड पे जाने नहीं दिया जा रहा है, जो आवश्यक सामान सामग्री से रिलेटेड हैं, खान पान वाले हैं या होम डिलीवरी वाले हैं या डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डॉक्टर हैं, उनको ही जाने दिया जा रहा है, बाकी सबको टोटल रोक दिया गया है। जैसा कि हमारे वृंदावन के SSO साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से कहा कि कल तक तो शाम को भी थोड़ा दुकानें खुली थी, पर अभी हमारे जो मथुरा ज़िले के DM साहब के द्वारा सख्त आदेश दिया गया है कि सुबह के समय ही दुकानें खुलेंगी, शाम को कोई भी व्यावसायिक दुकानें नहीं खुलेंगी, चाहे वो किराने की हो, चाहे दूध की हो, चाहे फल की हो, किसी भी तरीके से कोई भी दुकान को नहीं खोलेगा।